अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद साकिब मेहदी। हर बार की तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता हूँ। इसे कहते हैं फतेहपुर चांदनी चौक, फतेहपुरी चांदनी चौक। ये बैटरी रिक्शा आपने तरह बोलते हैं ना जो, और उससे बेहतर है ये, मुझे बेहतर, इससे बेहतर ये है। मैंने ऐसा कलकत्ता में देखा कि इंसान ऐसा रिक्शा घूमते थे। ये बहुत पुराना तरीका है, इससे ट्रैफिक जाम ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट इन लोगों की मदद करना चाहिए और उसकी जगह पे ये रिक्शा शुरू करनी चाहिए। ये रिक्शा इसी बैटरी रिक्शा, क्योंकि आजकल हर इंसान चाहता है कि उसका वक्त बचे और वो जल्दी काम करे। आज हम आपको सैर कराएंगे, बिजनेस टूर कराएंगे आज कमर्शियल। आइसक्रीम खा लो, बेहतरीन गॉगल्स खरीद लो। ये चांदनी चौक दिल्ली का बहुत ज़्यादा मशहूर है और खूबसूरत है। गॉगल्स की दुकान, और ये फतेहपुरी मस्जिद जहाँ मैंने अभी नमाज पढ़ी, तो ये फतेहपुरी चांदनी चौक में आती है। ये बहुत, जहाँ पर मैंने आपको को उर्दू के दो तीन वीडियोस ही बनाकर बताया हूँ, ये फतेहपुरी है। अभी ये रास्ते का काम शुरू है, बेहतरीन रास्ता बन रहा है चांदनी चौक का, देखते हैं। यहाँ गॉगल्स की दुकानें बहुत अच्छी हैं। इसके बाद में क्रैकरीज की भी दुकानें बहुत अच्छी है इधर, और कपड़े भी बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ। और चाचा चांदनी चौक में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी मिलती है, एक ही जुमले में बोले, चांदनी चौक में सबसे अच्छी चीज़ क्या मिलती है खरीदारी? खरीदारी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे मेन मशहूर क्या है? खाने में या कपड़ों में बच्चों का भी कपड़ा ले लो बढ़िया मिलेगा, साड़ियाँ भी मिलेगी। अच्छा, साड़ियों की दुकान आगे है क्या? साड़ी की दुकान आगे नहीं। शुक्रिया बताने का। अब इस चांदनी चौक में साड़ियों की दुकान ही बहुत अच्छी है। चांदनी चौक ये नाम ही पूरी दुनिया का मशहूर है। जब तक कि आप सिर्फ म्यूजिक का एंजॉय कीजिए। ये साड़ियाँ चांदनी चौक में, साड़ियाँ बहुत मशहूर है और यहाँ की दुकान है साड़ियों की बहुत मशहूर है। ये अनवर मामू साड़ियों की दुकान पर जाते हुए, असल में हमें कारोबारी बेसिस पे वीडियोस बनाने चाहिए ताकि हिंदुस्तान के ताजिरों के भी फायदे हों और उनके मार्केटिंग और सेल्स ज़्यादा हो। हमारे यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स शॉप में या दुकानों में या कमर्शियल बुनियाद पे बहुत कम वीडियोस बनाते हैं, मैंने देखा हूँ, लेकिन कमर्शियल बुनियाद पे वीडियोस बनाया कीजिए, तो उससे तिजारत पेशा लोगों का भी फ़ायदा होता है, तिजारत की तरक्की, मुल्क की तरक्की होती है। उस तरफ से भी बहुत सी शॉप्स हैं और अभी काम शुरू है यहाँ पे। दिल्ली में महाराष्ट्र की बनिस्बत आधे से ज़्यादा दिल्ली आपको रोड पर नज़र आएगी। ये साड़ियों की दुकानें, उसके बाद कॉटन्स की, लखीराम्स, ऐसी बहुत सी शॉप्स हैं यहाँ पर मेन रोड चांदनी चौक। यहाँ मशहूर है तो साड़ियाँ, ख़रीदारी के लिए साड़ियाँ लेकर आइए, बेहतरीन से बेहतरीन आप खरीद सकते हैं, और खाने पीने का भी बहुत अच्छा है। चांदनी चौक दरअसल दिल्ली की पुरानी विरासत है, इसे तारीख़ी बुनियाद पे भी देखा जाता है। सारे मज़ाहिब के लोगों की यहाँ दुकानें मिल जाएंगी आपको, पंजाबी, मुस्लिम्स, गैर मुस्लिम्स,
और दुनिया भर के लोग यहाँ पे काम करते हुए नजर आएंगे आपको। सबसे ज़्यादा बिजी और मसरूफ कारोबारी इलाका है चांदनी चौक दिल्ली। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो लाल किला घूमते आने के वक्त, लाल किला देखने के बाद इधर ज़रूर आएंगे, और इधर लोग आते भी हैं। और यहाँ आने के बाद में एक अहम बात ये होती है कि यहाँ की ख़रीदारी करके ही जाइए, कपड़े खरीदिए, उसके बाद में कुछ चीज़ें खरीद लीजिए जो मशहूर हो, कमर्शियल बुनियाद पर देखा जाए तो भी बहुत वैल्यूबल है। कपड़े, उसके बाद में कच्चे कपड़े, ये सब की ख़रीदारी कीजिए और खुश रहिए। ये दिल्ली की पुरानी मीरास है चांदनी चौक। मिठाइयों की दुकानें, मैंने इससे पहले एक बात कहा था, हिंदुस्तान में एक बात बहुत अच्छी पाई जाती है कहीं पर भी, और आप देखेंगे दुनिया भर में, तो वो ख़ास बात ये होती है कि आपको एक ही जगह पे कई जगह कई चीज़ें मिल जाएंगी, और वो चांदनी चौक है। यहाँ पर आपको कपड़े सब तरह के मिल जाएंगे, कच्चे कपड़े से लेके पक्के कपड़े, उसके बाद में सूट बूट सब कुछ मिलेगा। तो कभी जैसे गुजरिए तो लाल किला देखने के बाद पिछले साइड से उतरकर चांदनी चौक ज़रूर आइए। यहाँ पे आपको एक से एक कपड़े मिलेंगे, लेडीज़ पंजाबी सूट, जेंट्स पंजाब जेंट्स कपड़े, सब कुछ अवेलेबल है। सॉरी, दिल्ली की गलियाँ बहुत छोटी छोटी है, पंजाबी सूट्स की दुकानें हैं, उसके बाद कपड़ों की दुकानें हैं, लेडीज़ कपड़े जेंट्स कपड़े, कमर्शियल बुनियाद पे वीडियोस बनाए तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। नौजवान मेहनत करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में लाखों करोड़ इंसान पैदा किया, और हर किसी को दुनिया में कमाने का इख्तियार है कि वो अपनी रोज़ी कमाए। तो स्पेशलिटी की बुनियाद पे चुनिए, और चांदनी चौक में कभी आए तो इधर ख़रीदारी के लिए ज़रूर आइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुरान में कहता है कि वो रब्बुल आलमीन राज़िक ही नहीं, खैर राज़िकीन यानी सबको रिस्क देने वाला, पूरी दुनिया का राज़िक, सबसे बेहतर राज़िक, हर किसी को रिस्क देता है, रोज़ी देता है, उससे बेहतर राज़िक कोई नहीं है। आपको सरसरी तौर पे दिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप समझ गए होंगे, पहले भी मैंने डिटेल्स इसके बारे में एक वीडियोस निकाला था। कपड़े खरीदने आना है, पंजाबी सूट साड़ीज, तो चांदनी चौक की जरूर उतरी, यहाँ पे बहुत सी गलियाँ भी, इसमें आपको अच्छे अच्छे, ये कतरा नील चांदनी चौक, ये गली है, यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं अच्छे अच्छे कपड़े। भरपूर कलर हमें एक से एक वैरायटीज आपको यहाँ पे मिलेगी, कहीं से भी खरीद लीजिए। अभी यहाँ पे ख़त्म हो गए मार्केट्स आगे, माशाल्लाह। कभी भी लाल किला देखने आए तो चांदनी चौक ज़रूर उतरी। चांदनी चौक दरअसल जामे मस्जिद भी आप अगर आ गए घूमने फिरने तो जामे मस्जिद से पैदल 10 मिनट का रास्ता है चांदनी चौक का,
और ये पूरे दिल्ली में मशहूर है खरीदारी के लिए।